हुए हैं सिपाही हरि सिंह जो हरियाणा के रहने वाले थे, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के। वहाँ के प्रशासन ने उनको 50 लाख रुपए और उनकी वाइफ को सेकंड ग्रेड की नौकरी देकर सम्मानित किया। और जो हवलदार शिवराम राजस्थान के रहने वाले थे, वहाँ के प्रशासन ने उनको 25 बीघा जमीन और 25 लाख रुपए देके सम्मानित किया। लेकिन मैं तो हिमाचल सरकार से इतना कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मेरी निजी समस्या पानी की, ये दूर की जाए और जल्दी से जल्दी मेरे घर पे पानी का बोर लगवाया जाए। सुन रहे हैं ना सरकार, सुन रहे हैं ना जहां पना, सुन रहे हैं ना सूबे के सत्ताधीश, सुन रहे हैं ना राज्य के बाबू लोग। ये देश के सिपाही हैं, नाम है गुलजार। गुलजार पांवटा साहिब की भगानी पंचायत के रहने वाले हैं। ये वो शख्स हैं जिनके नाम पर केंद्र से लेकर राज्य की सरकार दिन रात काम करने का दावा करती है, जिनके नाम पर देश में इस साल लोकसभा का चुनाव लड़ा गया और प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता ने अपना प्यार वोट के रूप में बीजेपी पर लुटा दिया। लेकिन वही सैनिक आपसे आज क्या मांग रहा है? न शानो शौकत, न जमीन, न जायदाद। वो बस ये कह रहा है कि हे मालिक, मेरे घर के लिए पानी की व्यवस्था कर दीजिए। यहाँ पे प्रशासन के बहुत बंदे मिलने के लिए आए मेरे से, तो उन्होंने मेरी समस्या पूछी, तो मैंने अपनी पानी की समस्या बताई। मेरे यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, मेरा परिवार बहुत परेशान है पानी की वजह से। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया हैंडपंप लगाने के लिए, लेकिन 4 महीने हो गए अभी तक यहाँ पे ना तो कोई काम शुरू हुआ है और ना ही मेरा हैंडपंप लगा है। गुलजार ने अपनी जवानी देश के नाम कर दी, देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटे। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान तो नहीं दे पाए, लेकिन देश की खातिर, आपके खातिर, हमारे खातिर अपने दोनों पैर गंवा बैठे। आज इनकी जिंदगी बैसाखी की मोहताज है। जिसने अपने मजबूत कंधों पर देश की सुरक्षा को थाम रखा था, आज वो खुद 2 कदम चलने के लिए किसी का मोहताज है। पत्नी बीमार है, ऑपरेशन होना है और बच्चे छोटे हैं। ऐसे में रोज ही घर में एक एक बूंद पानी के लिए जंग लड़ना पड़ता है। उनकी समस्या को देखकर कुछ पड़ोसियों ने जिले के मालिक डीसी साहब को अवगत करवाया। 4 महीने हो गए, लेकिन डीसी के दफ्तर से बोरवेल गुलजार के घर तक नहीं पहुंचा। जब गुलजार जी को अपने घर लाया गया भगानी साहिब में, तब यहाँ पानी की इतनी दिक्कत थी कि इनकी बीवी ने और इन्होंने मेरे को ये बताया कि हम उस वक्त हमने बीमारी की हालत में मिट्टी वाला पानी पिया। अब आप देख लो कि इनको पानी की कितनी जरूरत है। इसलिए मेरी भी रिक्वेस्ट है कि इनके घर पर एक हैंडपंप लगा दिया जाए और जो भी इनकी मदद हो सकती है वो मदद इनकी की जाए। गुलजार ने हमें बताया कि कैसे पुलवामा हमले के बाद जवाबी हमले के दौरान देश के 6 जांबाजों ने आतंकियों से लोहा लिया और कैसे उनके सामने उनके साथी देश के लिए शहीद हो गए और उन्हें एक के बाद एक 5 गोलियां लगी। और पिछले 16 साल से भारतीय सेना में सेवारत हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि जो पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ भाइयों की बस पर अटैक हुआ था, सीआरपीएफ के भाई मारे गए और उस हमले के जो मास्टरमाइंड थे, जब हमारे को 17 फरवरी की रात को पता चला कि वो गाँव पिंगलाना डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में छिपे हुए हैं, तो हमने अपनी पार्टी लेके वहाँ पे गए। जैसे हमारा उनका आमना सामना हुआ तो दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो गई, जिसमें मेरे 4 भाई शहीद हो गए और एक पुलिस वाला शहीद हो गया, जिसमें मेरे को भी 5 गोलियां लगी हैं। और लड़ते लड़ते वहाँ पे जब दूसरी फौज ने हमारी आवाज़ सुनी, गोलियों की आवाज़ सुनी, तो वो वहाँ पे आ गए। मेरे को वहाँ से 40 मिनट के बाद उनके बीच से निकाला गया और उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। गुलजार की हालत को आप समझिए, जब वो ये कहते हैं कि काश 5 गोलियों में से एक गोली भी वैसी होती जो मेरे प्राण ले लेती, मेरा नाम शहीदों में शुमार हो जाता, तब शायद मेरे परिवार की समस्या का समाधान प्रशासन और सरकार करती। ये मेरे 3 बच्चे हैं और ये मेरी बीवी है, अगर मैं शहीद हो जाता तो क्या प्रशासन उसके बाद देखता इनको आगे? या उसके बाद भी ऐसे ही चलता जैसे अभी हो रहा है मेरे साथ? गुलजार के ये अल्फाज सरकार और बाबुओं के कलेजे को छलनी कर देना चाहिए, अगर उनके जिस्म में कलेजा हो तो। लेकिन करें तो क्या करें, सिस्टम की खाल बहुत मोटी होती है। एसी दफ्तरों में बैठकर बिस्लेरी से मुंह साफ करने वाले
और सेवन स्टार जिंदगी जीने वालों को एक सैनिक के परिवार की परेशानी का दर्द भला कब समझ आया है जो अब आएगा। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि सिस्टम के अंदर अगर जरा सी भी शर्म बची है तो हमारे देश के इस बहादुर सैनिक के दर्द को समझा जाएगा और उनकी इस मूलभूत समस्या का समाधान किया जाएगा। रॉबिन शर्मा, समाचार फर्स्ट।